हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल इलेक्ट्रॉनिक गली। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के 394 लीटर टू स्टार रेफ्रिजरेटर की, जो कि कहते हैं कि अपने आप को ग्लोबल नंबर वन रेफ्रिजरेटर ब्रांड है। गाइज, इट्स अ सैमसंग रेफ्रिजरेटर जो कि एलिगेंट आइनॉक्स और पेबल ब्लू कलर में आता है। इट्स अ टू स्टार रेफ्रिजरेटर, यू कैन क्लियरली सी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 276 यूनिट्स पर ईयर। ये इसका जो मॉडल नंबर है गाइज, वो है RT39B5538S8 TL2022 मॉडल है। 394 लीटर ग्रॉस वॉल्यूम है और स्टोरेज वॉल्यूम है 362 लीटर की। गाइज, ये इसका एक्सटर्नल पैनल है जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी के साथ है। ये एक कन्वर्टेबल 5-in-1 रेफ्रिजरेटर है गाइज, जिसके अंदर आप नॉर्मल मोड, सीजनल मोड, कन्वर्टेबल मोड, वेकेशनल मोड और होम अलोन मोड को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको 3 सेकंड इसको पुश करना है और इजिली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। -21 to -15 degrees तक इसका फ्रीजर कंट्रोल होगा और 1 degree to 7 degrees इसका फ्रिज। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं गाइस। अगर हम इसकी बात करें अंदर से, तो इसका जो फ्रिज में जो इसका फ्रीजर है, वो साइड में 2 साइड शेल्स हैं, बहुत ही स्पेशियस है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी भी है। बहुत ही सॉलिड इसके शेल्स हैं, कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी। अंदर से बात कर ली जाए तो ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि मॉइस्चर फुल फ्रेशनेस रखता है ऑल ओवर द फ्रिज। ये इस ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी की खासियत है। ये आपको ऊपर भी मिलेगा फ्रीजर में और आपको नीचे फ्रिज में भी मिलने वाला है। आप इसकी जो कैपेसिटी देख सकते हैं, जो स्टोरेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी है। आप इसकी ट्रे को रिमूव कर सकते हैं और आप कुछ और बड़ा कंटेनर रख सकते हैं यहाँ पे। इसके आप वेंट्स देख सकते हैं गाइस फॉर एयर फ्लो। इसमें कूलिंग पैक के साथ ही आता है, जिसमें 12 आवर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपके खाने को कूल रखेगा। ये इसकी जो ये शेल्फ है, अगर आप उस पर रखते हैं अपना कोई भी फ्रोजन सामान। अगर मैं नीचे की कंपार्टमेंट की बात करूँ गाइज, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसका पॉकेट हैंडल है और इसमें क्रोम फिनिश दिया हुआ है। और नीचे देख सकते हैं एक बड़ी बास्केट है अपने फ्रोजन आइटम्स को रखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे स्टोरेज अंदर। नीचे भी आप देख सकते हैं ट्विन कूलिंग प्लस, जैसे मैंने ऊपर बताया था, नीचे भी ट्विन कूलिंग प्लस फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रैक्स टफेंड ग्लासेस हैं काफ़ी। यहाँ पे डियोड्राइजिंग फिल्टर है आपके यहाँ पे, कोई खाना की अगर आप कुछ वेजिटेबल्स रखते हैं तो उसकी स्मेल नहीं आने देता है ये फीचर। नीचे आप देख सकते हैं इसमें, अगर मैं बात करूँ तो कितनी स्पेस है यहाँ पे। ये एक पहला बास्केट आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रोजन आइटम रखने के लिए। ये दूसरी आपको यहाँ पे शेल्फ मिल जाती है, फिर ये तीसरी यहाँ पे मिल रही है आपको, ये चौथी इधर है और पांचवा एक यहाँ पे दोबारा एक और बास्केट दिया हुआ है यहाँ पे अपने स्टोरेज को रखने के लिए, अपने वेजिटेबल्स अपने फ्रूट्स को रखने के लिए। और एक मूवेबल ट्रे है। ये साइड की अगर हम बात कर ले जाए तो इसमें 2 साइड शेल्फ्स हैं। एक बड़ी शेल्फ है यहाँ पे, 2 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पे आप साइड पे एग ट्रे है यहाँ पे,
ऊपर की साइड भी एक अच्छी सॉलिड आपको शेल्फ मिल रही है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ये रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली आप डाइमेंशंस को देख सकते हैं। 675 इसकी विड्थ है, डेप्थ 668 है, हाइट इसकी है 1715। मॉडल नंबर और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 394 इसकी ग्रॉस कैपेसिटी है। मेड इन थाईलैंड ये प्रोडक्ट है। ओवरऑल यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ दिस फ्रिज ओवर हियर। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रेफ्रिजरेटर। अगर आपकी 6 लोगों की फैमिली है तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने वेजिटेबल फ्रूट्स को। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है गाइस इसके अंदर। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपकी अकॉर्डिंगली करता है, जितने आपके यहाँ पे आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं यहाँ फ्रिज के अंदर। ओवरऑल बहुत बेहतरीन फ्रिज ये, आप देख सकते हैं इसका प्राइस टैग जो कि है 42,990 रुपीज़, MRP 55,990 रुपीज़। बाकी के फीचर्स लिस्टेड हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्रिज सैमसंग द्वारा। गाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक श्योर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऑल्सो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।